ईशान महेश के साथ। मैं गिनी भाटिया आप सभी का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करती हूँ। ईशान जी, आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप केवल मन की समस्याओं के समाधान करते हैं या एक सामाजिक प्रश्न आया है उसके ऊपर भी कुछ बता सकते हैं हमें? दरअसल जो मन है वो तो समाज से ही बनता है ना जी। बिल्कुल। और मन का निर्माण जब समाज से होगा तो वो समस्या मन की हो, समाज की हो, अध्यात्म की हो, वो एक सामूहिक और सम्मिलित समस्या हो जाती है। तो हर समस्या का समाधान है, उस पर बातचीत की जा सकती है जी। बिल्कुल। जो समस्या आई है उसका बताइए, क्या है समस्या? हाँ, एक क्वेश्चन आया है, कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम है उसका समाधान कैसे किया जाए? ओ, ट्रैफिक जाम, ये तो बड़ी भयंकर समस्या है समाज की। दरअसल इस समस्या पर हमें थोड़ा बड़े कलेवर से सोचना होगा। इस समस्या पर विचार करने के लिए हमारे पास तीन मुख्य पहलू हैं। पहला हाईवे का ट्रैफिक जी, दूसरा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक, और इंटरनल ट्रैफिक में भी मेन रोड्स का ट्रैफिक, और तीसरा सिटी के अंदर कॉलोनीज का ट्रैफिक। तो इन तीन पहलुओं पर विचार करके तब हम इस समस्या पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके मूल समस्या पर हमें सबसे पहले पहुंचना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कक्षा है बच्चों की स्कूल के अंदर जी, और उसमें आप देखिए कि अध्यापक नहीं है। शिक्षक के न होने पर कक्षा में हर बच्चा लड़ रहा है, शोर मचा रहा है और पूरा अनुशासन भंग कर रहा है जी। बिल्कुल। जैसे ही कक्षा में अध्यापक का प्रवेश होता है, सारी कक्षा एकदम शांत, सब व्यवस्थित होकर बैठ जाते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर आ गया था। टीचर आ गया ना, एकदम से सब कुछ शांत हो गया, व्यवस्था हो गई। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो देख रहा हो, जो अनुशासित करने का सामर्थ्य रखता हो, तो समस्या एकदम से हल हो गया ना जी। अब है क्या, चौराहों के ऊपर सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितने भी सिटीज के अंदर जो बड़े चौराहे हैं, सबसे बड़े चौराहे, वो मैन्युअली ऑपरेटेड होने चाहिए। मैन्युअली ऑपरेटेड माने वहां पुलिस का सिपाही खड़ा हो, ट्रैफिक के सिग्नल जो लाइट्स हैं वो ना जल रही हो। ओके। क्योंकि लाइट्स अगर जल रही हैं तो फिर उसके जो एक नेगेटिव पहलू होते हैं वो क्या होता है कि सुबह का समय है, सुबह के समय जहां पर ज्यादातर ऑफिस बने हुए हैं, ट्रैफिक उसकी तरफ जाता है जी। मान कर चलो इधर 60 सेकंड की रेड लाइट है, तो वो 60 सेकंड की रेड लाइट उधर से भी है, लेकिन उधर तो कोई आ ही नहीं रहा जी। जाने वालों का रश बहुत है, आने वालों का नहीं है, तो एक तरफ ट्रैफिक बढ़ता चला गया। जब एक सिपाही खड़ा होता है तो वो विवेक के आधार पर देखता है अपने कि अच्छा, यहाँ का ट्रैफिक कम हो गया, इधर का भेज दूं, इधर का कम हो गया, यहाँ का भेज दूं। और इन सब के बाद भी अगर पुलिस का सिपाही खड़ा है वहां पर ट्रैफिक का, तो किसी की हिम्मत नहीं होती वो नियम तोड़ दे जी। बिल्कुल। देखा होगा कि रेड लाइट, कितनी बार मैं चौराहों पर खड़ा होता हूँ, और आप में से कोई भी चौराहे पर खड़े होकर शांत होकर देखे, जैसे ही रेड लाइट होती है उसके बाद भी ट्रैफिक जलता जाता है, कोई रेड लाइट को मानता ही नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उधर से ग्रीन हुआ, वो ट्रैफिक आ गया, वो दोनों मिलते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन अगर चौराहे के ऊपर एक सिपाही भी खड़ा होता है, उसकी उपस्थिति से सब लोग जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन से पीछे अपना ट्रैफिक रोकते हैं, सारे वाहन, और सब ठीक ठाक खड़े रहते हैं। क्यों? उसकी उपस्थिति से। अब एक बात हम बार बार हमारे समाज में कही जाती है कि लोगों को खुद समझना होगा। ये लाइन देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमें खुद अवेयर होना होगा, खुद समझदार बनना होगा, हम पुलिस के ऊपर क्यों निर्भर रहे। बहुत अच्छी बड़ी बात ये है कि लोगों में आजकल पेशेंस नहीं है, सबको जल्दी जल्दी जाना होता है, ऑफिस, स्कूल, सभी को जाना होता है, तो पेशेंस की बहुत कमी है। वो पेशेंस कौन पैदा करेगा? डर। डर। तुलसीदास जी कहते हैं, भय बिनु होत न प्रीति। अब देखा कि कक्षा के अंदर जो बच्चे अब तक शोर मचा रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, अचानक क्या हो गया कि एकदम चुप हो गए, टीचर के आने से डर गए, डर गए ना, और डिसिप्लिन में आ गए, सारा डिसिप्लिन में आ गया। तो सबसे पहले तो कि ट्रैफिक के सिपाही हर जगह हो, उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती, वो सिखाएंगे सबको, अपने आप कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि ये पूरा शहर जो है ये एक बच्चों का क्लासरूम समझ लीजिए। यहाँ पर सारे ही समझदार नहीं है, कुछ समझदार हैं, ज्यादातर भीड़ नासमझों की है जी। जो समझते हैं कि वो अपने इस काम को करके कितना बड़ा अपने शहर को अव्यवस्था का शिकार बना रहे हैं।
वो समझ नहीं रहे इस बात को। जैसे उदाहरण के लिए सभी को मैं कह रहा हूँ महसूस करें, हम जो बात बोल रहे हैं उसको देखें, किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हो जाइए आप, वहाँ पर सारे रिक्शा वाले और ई रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से अपनी सारी रिक्शा लेकर जा रहे होते हैं जी, और उनको रोकने वाला कोई नहीं जी, कोई भी नहीं रोकता उनको। मुझे याद है बात ये 1976 से 78 के बीच में होगी, हम पुरानी दिल्ली रहा करते थे, मैं छोटा ही था तब, तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही था, उससे सारे रिक्शे वाले बहुत डरते थे, बेहद डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी रिक्शे वाले की कि वो रेड लाइट जंप कर जाए, क्यों, वो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उनकी हवा निकाल देता था रिक्शा की। ओके। सबको डर था जी। लोग उस ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को कहते थे गरीबों को सता रहा है, वो कहता था मैं सता नहीं रहा, मैं इसका चालान नहीं कर सकता, क्या चालान करूं उस रिक्शा वाले का, लेकिन इसको मुझे सिखाना है और ये डर की भाषा से समझेगा। तो उसकी उपस्थिति में रिक्शा वाले सारे सांप सुनकर वहां खड़े रहते थे कि वो खड़ा है वहां पर, उसका एक डर था क्योंकि रिक्शा वाले ने आके सारा ट्रैफिक रोक दिया, पीछे तक रुका रहेगा, एक के पीछे एक सब बढ़ते आएंगे, अब वो डर खत्म हो गया। इस डर को जब तक कायम नहीं किया जाएगा, अब विदेशों के अंदर क्या होता है, लोगों के अंदर इस संस्कार को बहुत लंबे समय तक डाला गया जी। दो शब्द हैं हमारे पास, गुड हैबिट और बैड हैबिट्स, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। तो वहाँ की जो प्रजा है उनको अच्छी आदतें डाली गई हैं, उनके सिस्टम में अपडेट कर दी गई अच्छी आदतें, लगातार एक ऊपर सुपरविजन रहा, लोगों को ये डर रहा कि नहीं हमें लगातार कोई देख रहा है, और उस डर ने उनको एक सिस्टम के एक अनुशासन के अंदर ले आए, आज वहाँ कोई भी रेड लाइट नहीं। जो समस्या हमारे देश में छोटी छोटी सी समस्याएं हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम का होना बढ़ती हुई जनसंख्या उतना नहीं है जितना बढ़ता हुआ अनुशासन है जी। मैंने सुना कि एक अध्यापक कह रहा था कि उन्होंने अपनी कक्षा में बच्चों से पूछा कि सर्विस लेन किस काम आती है, आप कल बताएंगे, एक अनुच्छेद दिया सर्विस लेन, और सर्विस लेन के बारे में बताया कि ये मुख्य सड़क के साथ मेन रोड के साथ एक छोटी सड़क सरकार ने बनाई है, वो किस लिए आप बताइए, कल अनुच्छेद लिख के लाओ। तो जानते हो एक बच्चा क्या अनुच्छेद लिख के लाया, कि वो सर्विस लेन इसलिए है कि लोग वहां छोले भटूरे की दुकान खोल सकें, लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर सकें, ज्यादातर ऐसे ही होता है, लोग पान बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल सकें और सारी सड़क के ऊपर एक रेस्टोरेंट जैसा माहौल बन जाए, ये सर्विस लेन का उस बच्चे ने, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, जो देखेंगे वही सीखेंगे जी। अब सवाल है कि सर्विस लेन सरकार ने बनाई कि जो छोटा ट्रैफिक है वो उस सर्विस लेन से चला जाए या धीमी गति से चलने वाला, अब वो पूरी सड़क जो है सर्विस लेन वाली वो सारी शॉपकीपर्स ने कब्जा ली, क्योंकि जहां जहां सड़क है उसके साथ साथ दुकानें हैं जी। हमारे देश का ये हाल हो गया है जी। सड़क जहां जाएगी वहां दुकानें ही दुकानें मिलेंगी, सरकार ने जो घर रहने के लिए दिए थे वो सारे घर अब दुकानों में बदल चुके हैं जी। दुकानदार क्या करता है, सड़क आधी दुकान को सड़क पर ले आता है अपनी सारी, और उसकी सारी पार्किंग वहीं पर हो गई, तो जो सर्विस लेन का उद्देश्य था वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया ना जी। अब वो जो धीमी गति का ट्रैफिक और छोटा ट्रैफिक था वो भी मेन रोड पर आ गया, अब वो धीरे धीरे चलेगा जी। तेज आने वाले वाहनों को रोक देगा, और आगे चौराहे के ऊपर वही हाल है कि कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है नहीं देखने वाला, सिर्फ लाइट है वो चल रही है बुझ रही है उसके हिसाब से ट्रैफिक चल रहा है, और मान लो ग्रीन लाइट हुई और ग्रीन लाइट के बाद 6 रिक्शा वाले उसमें से निकल रहे हैं, रेड हो गई उसके बाद भी वो रेड लाइट पर भी चलते जा रहे हैं जी, रिक्शा वाले नहीं सुनते, रिक्शा वाले नहीं रुक रहे ना, अब उन रिक्शा वालों को कौन रोकेगा, सवाल है, आप रोकेंगे आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे वो जी। लेकिन अगर पुलिस का सिपाही खड़ा है तो वो उसको बार बार नहीं करेगा डर के मारे। तो पहला तो सबसे बड़ा एक पहला समाधान ये है कि मैनुअली ऑपरेटेड हो सबसे पहला। अब रही बात सिटी के अंदर का ट्रैफिक, कॉलोनी के अंदर किसी को पुलिस का डर नहीं होता सिपाही का, वो कहते हैं अंदर तो पुलिस आएगी नहीं चालान करेगी नहीं हमारे जी। तो हेलमेट भी नहीं पहनते, हेलमेट भी नहीं पहनते कॉलोनी के अंदर, अब ये सब पढ़े लिखे लोग हैं अच्छी तरह से पढ़े, भी हेलमेट नहीं पहनते, फिर भी हेलमेट नहीं पहनना और कहीं भी गाड़ी पार्क कर देना जी। कॉलोनी की सड़कें वो भी उसी बात का शिकार है, दोनों तरफ दुकानों के,
जो लोग आएंगे अपनी गाड़ियां सड़क के ऊपर पार्क कर देते हैं, और अब जो सबसे बड़ी चेन चली है दुकानों में वो है खाने पीने की, फूड चेन जी। तो ज्यादातर दुकानें खाने पीने की सड़कों पर हैं, और सारे लोग उन्हीं सड़कों पर अपनी गाड़ियां पार्क खड़ी करके वहां पर खूब खाते पीते हैं, सारा ट्रैफिक रोक देते हैं जी। किसी को बोलने जाओ हर एक आदमी लड़ने को तैयार है, तो कौन रोकेगा इन्हें? कानून रोकेगा ना, शक्ति रोकेगी? हमारे पास तो शक्ति नहीं। एक आम आदमी दूसरे आदमी को कहता है ऐसा मत करो तो वो उससे लड़ेगा, वही बात अगर पुलिस का सिपाही उससे कहेगा तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम हटा ली जाएगी। तो व्यवस्था के भाग को बनाने के लिए हमें सिपाहियों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। मुझे याद है एक प्रसंग, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, विवेकानंद के गुरु थे। कलकत्ता के अंदर एक तालाब था, सरोवर, उसका नाम था होदो तालाब, होदो उसका नाम था। होदो तालाब, ओके। तो क्या था, लोग सुबह आते थे और उस होदो तालाब के चारों तरफ आके गंदगी कर जाते थे, आए सुबह वहीं टॉयलेट कर गए, सारा गंदा हो गया जी। सब परेशान, कुछ नहीं हो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं किसी ने उसकी शिकायत शाहबहादुर से की, शाहबहादुर ने बड़े अंग्रेज अधिकारी से, उस अंग्रेज अधिकारी ने वहां पर एक पोस्टर लगवा दिया कि यहाँ पर सुबह गंदगी फैलाना मना है, मतलब कभी भी कि सुबह यहाँ कोई ना आए, किसी प्रकार का गंदगी फैलाना यहाँ मना है। कहते उसके बाद कोई वहां नहीं गया, क्योंकि उनको डर पड़ गया था, उनको डर था कि शाहबहादुर का आदेश है यहाँ पर। तो इतना डर था उन लोगों का कि अगर कह दिया है तो नहीं आना, और हमारे तुलसीदास जी तो कह गए। और भय सभी पर नहीं होना चाहिए, उन लोगों पर जो कानून तोड़ रहे हैं जी, जो ट्रैफिक के नियमों का पालन ही नहीं कर रहे, उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए, उनको देखने वाला कोई हो। मैनुअली ट्रैफिक, जब तक दिल्ली का या दिल्ली का पूरे देश का प्रमुख स्थानों पर मैनुअली कंट्रोल हो, तो एक दिन के अंदर ये समस्या समाधान हो जाएगा, एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगेगा जी। बिल्कुल, क्योंकि इंसान को सिर्फ एक डर की जरूरत है, जिससे जो नई दिल्ली का प्रमुख इलाका है जहाँ VIP रहते हैं जी, वहां सब जगह पुलिस खड़ी रहती है जी। किसी की हिम्मत है वहां ट्रैफिक तोड़ देनी हो, कोई भी नहीं तोड़ता, सब जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े होंगे, उन उन सभी जगहों पर जो VIP इलाके हैं, कोई नियम तोड़ता ही नहीं वहां पर। अच्छे से अच्छा नियम तोड़ने वाला भी वहां जाके बहुत शरीफ बन जाता है, यही कारण है। तो हमें भय को बढ़ाना होगा थोड़ा सा, अनुशासन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए, वैसे नहीं, अनुशासन लाने के लिए बस। और उनको ज्यादा रोकना होगा जो अनपढ़ वर्ग है और जो नियमों को नहीं मान रहा, तो एक दिन में, दूसरा दिन नहीं है समस्या के समाधान का। लेकिन ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यातायात पुलिस की नियुक्ति करना हमारे हाथ में नहीं है, वो सब एक प्रशासनिक काम है। लेकिन हल यही है इसका, और सड़कों पर जो अनधिकृत कब्जे हैं, अनऑथराइज कैप्चरिंग, वो रोकी जानी चाहिए। पटरियां चलने के लिए है ही नहीं आदमी के लिए, चल के देखो किसी भी बाजार में पटरियां मिलेंगी नहीं तुमको, तो लोग सड़क पर चलते हैं फिर जी। तो सड़क पर चलेंगे तो ट्रैफिक रुकेगा, दुर्घटना बढ़ेगी। तो कुल मिला के पूरे इस जो सड़कों का सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए पूरा अभियान चलना चाहिए जी। जैसे स्वच्छता को लेकर एक अभियान चला ना, तो काफी कुछ प्रगति हुई जी। तो एक होना चाहिए कि ठीक है, यातायात सुधार कंट्रोल करने के लिए भी एक अभियान चलाना, एक अभियान जी। विशेष रूप से रेड लाइट पर जो रिक्शा वाले, बैलगाड़ी वाले और ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ये नियमों को बिना थोड़े बढ़ते जाते हैं। कार वाले फिर भी रुक जाते हैं, इनको डर है थोड़ा सा कि चलान आ जाएगा, लेकिन रिक्शा वाले को किसका डर, किसी का भी नहीं। तो ये तो हमारी एक सामाजिक समस्या का हल है। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं, इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है, और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।